हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जर्दा पर आए हैं और जर्दा पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे फ्री टेल, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन फ्री टेल का नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्री टेल ये कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल। इसकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि ये कंपनी एक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसेस के थ्रू जा रही है। इसमें होगा क्या, जैसा कि आप यहाँ पर वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 3 रुपीज़, लेकिन क्योंकि हम अपने डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं कि NSE और BSE पर यहाँ पर सर्च करने पर हमारी वॉच लिस्ट में इस कंपनी का सिंबल आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो गई है, लेकिन स्टिल इसका शेयर एग्जिस्ट करता है। एक्सचेंजेस पर तो ये है कि पब्लिक उसमें ट्रेड कर सकती है, लेकिन शेयर तो फिर भी एग्जिस्ट करता ही है। अब होगा क्या इस केस में शेयर होल्डर्स के साथ में, जो भी शेयर होल्डर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट था वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं बचेगा, एक रुपया भी नहीं बचेगा उसमें से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नया बिडर आएगा इस कंपनी के लिए, और नया बिडर क्या करेगा, नया बिडर जो भी डेटर्स हैं कंपनी के, डेटर्स क्या है, जैसे जहाँ से भी लोन लिया होगा फ्यूचर रिटेल ने, नया बिडर उस लोन को पे करेगा और इस कंपनी को कुछ प्राइस पे करेगा, यानी कि इस कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। और रीस्ट्रक्चर होने के बाद ये कंपनी चाहे तो ऑफ मार्केट ट्रेड कर सकती है, या कभी एक्सचेंज पर लिस्ट ना हो, यानी कि प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बन सकती है, या फिर वापस से ये एक्सचेंज पे ट्रेड करेगी। तो जब ये वापस से एक्सचेंज पे ट्रेड करेगी तो क्या जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, जी नहीं, नए सिरे से फिर से लिस्टिंग होगी। और उस केस में सारे शेयर्स कंपनी जिसने बिड करा है, जिस भी इंस्टीट्यूशंस ने बिड करा है, या जो भी ग्रुप इस कंपनी को खरीदेगा, वही होल सोल मालिक होगा। और एक नया IPO नहीं होता है, उस तरीके से वापस से इसको लिस्टिंग होगी और सारे शेयर्स यहाँ पर फिर से पब्लिकली ट्रेड होना स्टार्ट होंगे। तो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि अगर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसेस में डेटर्स का सारा अमाउंट पे हो जाता है, कंपनी पूरी तरीके से लिक्विडेट हो जाती है और फिर भी फंड बच जाता है, उस केस में शेयर होल्डर्स को ज़रूर प्रॉफिट हो सकता है। उस केस में होगा क्या, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है सारा कुछ लिक्विडेट होने के बाद या डेटर के सारे पैसे पे करने के बाद, वो शेयर होल्डर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक कंपनी अगर पहुँच चुकी है तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल ही नहीं बची होंगी। जैसा कि आप देखेंगे कि मार्केट कैप 177 करोड़ का है और 12 मंथ की अर्निंग -4416 करोड़ रुपीज़ की है, यानी कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ये अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, मतलब इनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा रुचि सोया का, जो कि पतंजलि फूड्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो रुचि सोया सोया प्रोडक्ट्स और सोया ऑयल बनाती थी, जो महाकोश के नाम से हम जानते हैं। तो उस केस में क्या हुआ था कि पहले 24-25 रुपए पे रुचि सोया का शेयर ट्रेड हो रहा था और कंपनी की बैंक्रप्सी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो बिडिंग हुई अडानी और पतंजलि फूड्स के बीच में और पतंजलि जीत गया। तो सारे शेयर्स पहले तो डीलिस्ट हुए। उस केस में जो पैसा था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, वो ज़ीरो हुआ और फिर नए सिरे से शेयर्स इशू हुए। लोगों को क्या लगा कि हमको बेनिफिट हुआ है, लेकिन ऐसा जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नए शेयर्स जो ट्रेड होना स्टार्ट हुए थे वो 1000 रुपये से हुए थे और 25 रुपये और 1000 रुपये का बीच का डिफरेंस है। वो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि इतना बेनिफिट हुआ होगा पुराने शेयर होल्डर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने शेयर होल्डर्स का पैसा पूरा ज़ीरो होता है और फिर ही जो है नए शेयर लिस्ट होते हैं और उसमें नई ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो आई होप इस फ्यूचर रिटेल के इस शॉर्ट, मतलब थोड़े से लॉन्ग वीडियो से आपको कुछ चीज़ समझ में आई है कि जब एक स्टॉक 80-90% या
95% के आसपास अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है उसकी बैलेंस शीट में, अगर कुछ भी सब्सटैंशियल अमाउंट का पैसा नहीं बचता है और नेगेटिव जाती है उसकी बैलेंस शीट काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें आपका जो पैसा है वो पूरा ज़ीरो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फ्यूचर रिटेल कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बिग बाज़ार पूरा ग्रुप है, और ये आप देख सकते हैं सारी की ग्रुप वेबसाइट्स हैं फ्यूचर ग्रुप की, और इतना ब्रॉड बिजनेस है, और पर्सनली बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस ने इम्पैक्ट किया है। यहाँ पर जो वॉलमार्ट का मॉडल है वो बिग बाज़ार के थ्रू आया था इंडिया में, लेकिन अब ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसका इन्वेस्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ा है। तो जब भी आप शेयर परचेस करें तो थोड़ा सा आप रिसर्च ज़रूर करें और उसका कारण देखें कि क्या है। स्पेकुलेशन पर अगर आप बाय करेंगे तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि ये डीलिस्ट होगी तो पूरा पैसा ज़ीरो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको रिसर्च ठीक लगती है, आपको ये वेबसाइट मैं इसलिए बता कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप ये वेबसाइट्स फ्री हैं सारी, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सारी फ्री वेबसाइट्स ही यूज़ करता हूँ और उसी के थ्रू एनालिसिस करता हूँ अपना, और अलग अलग वेबसाइट्स मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में भी बताता रहूँगा, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करें और फिर अपना एक व्यू पॉइंट बनाएं, ना कि जो हमें दिखाया जा रहा है उस हिसाब से अपने व्यूज़ को मोल्ड करें, थोड़ी सी रिसर्च करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस होगा और थोड़ा सा आपको अनएडिटेड भी लगेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें और ये सारे फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।